इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर का इस्तीफा। मैं देश सेवा के लिए राजनीति में आई हूं, मेरी माँ बाप परिवार सब कुछ जानते हैं, मेरे विभाग में बजट आया है, हमसे पूछा ही नहीं गया, मैं अब संगठन में काम करना चाहती हूं, पार्टी संगठन की सेवा के लिए मैं तैयार हूं, मेरे विभाग के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, हमसे सरकारी आवास का किराया वसूला जाता है, अधिकारी यूपी को बर्बाद करने में लगे हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज को कुछ लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, हम संगठन में काम करके इन्हें रोकेंगे, 2027 में फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी, ये कहना था सोनम किन्नर का। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, सोनम किन्नर के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्माया गया है। खबर ये भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई बड़े और नेता इस्तीफा दे सकते हैं और वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिश कर रही है कि बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों और नेताओं को अपने साथ जोड़ा जाए। हाल ही में एक खबर निकल कर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन काम कर रहा है वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बर्बाद कर रहा है। जिस तरीके से सोनम किन्नर ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि देश जो उत्तर प्रदेश में प्रशासन है और वो प्रशासन जो अधिकारी हैं वो काम ही नहीं कर रहे और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया जाए। और ठीक इसी तरीके से कुछ वक्त पहले कई और नेताओं का भी बयान सामने आया जिन्होंने सरकारी अधिकारियों पर कई बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी ही उत्तर प्रदेश के हालात को बर्बाद कर रहे हैं। वैसे में क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा कदम उठाएंगे और रहा सवाल सोनम किन्नर का, तो क्या सोनम किन्नर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का रुख करती नजर आएंगी।